Do you feel the pulse? आज की इस वीडियो में आप देखने वाले इनफोकस स्नैप फॉर आपको एक हैंड्स ऑन रिव्यू। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिश गैसवाले में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इनफोकस स्नैप फोर के स्पेक्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको 5.2 इंच का एचडी डिस्प्ले मिलता है और ये 1.5 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टाकोर सीपीयू के साथ आता है जो कि मीडियाटेक का है और ये एंड्रॉइड 7.0 नोगट पे वर्क करता है। इसमें आपको 4GB रैम और 64GB की स्टोरेज मिलती है। इस फोन का सबसे मेन फीचर है इसका कैमरा, क्योंकि ये इंडिया का सबसे पहला फोन है जिसके अंदर आपको क्वाड कैमरा मिलता है, जिसमें आपको 13+8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 8+8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी प्राइस 11,999 इंडियन रुपीज रखी गई है। इस फोन के फ्रंट साइड में आपको 5.2 इंच का 2.5D कर्व डिस्प्ले मिलता है और इसमें आपको 8+8 मेगापिक्सल के डुअल फ्रंट कैमराज मिलते हैं। नीचे के साइड आपको यहाँ पे टच कैपेसिटी बटन्स मिलते हैं। फोन की बॉटम में यहाँ पर आपको चार्जिंग जैक और स्पीकर मिलता है। फोन के टॉप पे आपको यहाँ पे 3.5mm का ऑडियो जैक मिलता है। फोन के लेफ्ट साइड पे आपको पावर बटन और हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है। इस फोन के व्यूइंग एंगल्स के बारे में बात करें तो हम इसके व्यूइंग एंगल्स काफी अच्छे हैं और इसके यूआई के बारे में बात करें तो इसका यूआई काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। और हम इसके सेटिंग्स पे जाके देखते हैं कि इसमें हमें कौन सा एंड्रॉयड वर्जन मिलता है। इसमें हमें एंड्रॉयड 7.0 नोगट वर्जन मिलता है। चलिए इसकी स्टोरेज में जाके देखते हैं हमें कितनी स्टोरेज अवेलेबल होगी। इसमें हमें 64GB में से 52GB स्टोरेज अप्रॉक्स अवेलेबल होगी। इस फोन के रियर कैमरा की अगर बात करें तो इसमें आपको टेलीफोटो लेंस नहीं मिलता है, इसमें आपको वाइड एंगल लेंस मिलता है, जिसकी वजह से अगर आप बैकग्राउंड ब्लर का फीचर यूज करेंगे तो आपको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। मगर इसकी इमेज क्वालिटी की अगर बात करें तो इसके इमेज की क्वालिटी काफी अच्छी है। इस फोन की फ्रंट कैमरा की बात करें तो इस फोन का फ्रंट कैमरा काफी अच्छा वर्क कर रहा है, आपको काफी अच्छी सेल्फीज दे पाएगा। इसके हमने कुछ कैमरा सैंपल्स लिए थे जो कि कुछ ऐसे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके लिए हमारे कुछ सजेशन हो तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में डालें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।